आज मैं घर के सामान से मजेदार रेसिपी जो पौष्टिकता से भी भरपूर होगी वो बताने जा रही हूँ। गाइस, हमारे घर में बेसन तो हमेशा ही रहता है, तो इसी बेसन से बनने वाली है हमारी आज की ये रेसिपी। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने एक कप बेसन ले लिया है, तो एक बाउल ले लें और इसमें ये बेसन पलट लें। देखिए गाइस, हमने ये बेसन ले लिया है। आपको जितनी बनाना हो उसी हिसाब से बेसन ले लें। इसमें थोड़ा नमक डालें, इसे मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोल बना लें। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें जिससे लंग्स ना पड़े। खूब अच्छे से घोलें इससे लंग्स ना आए। देखिए गाइस, हमारे इसमें कोई लंग्स नहीं आए, हमारे ये घोल तैयार हो गया है। हमें ऐसा रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। एक कढ़ाई ले लें और उसमें ये पेस्ट डालें जो हमने बेसन से बनाया था। ये इसे इसमें पलट लें। गाइस, हमने गैस चालू कर दी है। गाइस, इसे धीरे धीरे ऐसे घुमाते रहें, चलाते रहें, नहीं तो ये पीछे से लग जाएगा। बेसन है ना, कढ़ाई जल्दी पकड़ लेती है उसे। गैस का फ्लेम धीमा ही रखें, ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। देखिए कितनी जल्दी ये घोल गाढ़ा होने लगा है। इसे बराबर हिलाते रहें, इसे चलाना बराबर पड़ता है, नहीं तो ये नीचे से लग जाता है। देखिए काफी गाढ़ा हो गया है हमारा घोल। एक प्लेट पहले से ही ऑयल लगा कर रख लें, ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। गाइस, इसे हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे, जैसे सूजी का हलवा होता है ना, उस टाइप का हो जाएगा। गैस बंद कर दें, ये गाढ़ा हो गया है, काफी गाढ़ा हो चुका है। मैंने एक प्लेट पे पहले से ऑयल लगा के रख लिया है, आप भी पहले से ही रख लें, नहीं तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसे इसमें पलट लेंगे, ऐसे दबा दबा कर फैला दें। गाइस, ये हमने ऐसे फैला दिया है, अब इसे थोड़ी देर रेस्ट करने रख देंगे। ये ठंडा हो जाएगा ना तो जम जाएगा, फिर इसके पीसेस काटेंगे चाकू से। तो देखिए गाइस, हमारे ये सेट हो गया है। अब हम इसको चाकू की सहायता से काट लेंगे, ऐसे कट लगा लेंगे। देखिए गाइस, हमने पूरे काट लिए हैं ये। हमने इतने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, आप जैसे चाहें वैसे पीसेस बना लें। देखिए गाइस, इसमें कौन कौन से मसाले यूज़ होंगे। मिर्च, हल्दी, धनिया, एक टमाटर पिसा हुआ, एक प्याज पिसा हुआ, अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक हरी मिर्च, दो तेजपत्ता के पत्ते और थोड़ा सा जीरा। गाइस, और ये फेंटा हुआ दही लेंगे हम। देखिए गाइस, हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, अब ये गर्म हो जाएगी तब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे।
आप जौन सा ऑयल खाते हो वो डालें, हम तो सरसों का तेल खाते हैं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये कट किए हुए पीसेस डालेंगे, इन्हें हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। हम इन्हें धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे, हमने बहुत कम ऑयल लिया है। ये हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे, हल्का हल्का ही फ्राई करना है। गाइस हमने कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है, हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें 2 तेज़पत्ते और जीरा, हमारा जीरा चटकने लगा है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, हमारी हरी मिर्च भी थोड़ी भुन गई। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो हम बाकी मसाले डालेंगे। ये फ्राई हो जाएगा तो हम बाकी के मसाले डालेंगे। ये फ्राई हो गया है, हम इसमें प्याज डालेंगे, हमारी प्याज थोड़ी भुन जाएगी, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। अब हम टमाटर डालेंगे, अब हम इसमें ये मिर्च हल्दी धनिया डालेंगे और इन्हें मिला देंगे। गाइस हमारा मसाला भुनने लगा है, अब हम दही डालेंगे, फेटा हुआ दही डालेंगे और मिला देंगे। इसे हिलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे, इसे चलाते रहें नहीं तो दही फट जाएगा। देखिए हमारा मसाला पक गया है, अब हम इसमें ये फ्राई करे हुए पीसेस डालेंगे और इन्हें मिला देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसे हम ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। नमक हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, अब हम नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। अब इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे, चलो देखते हैं गाइस। देखिए गाइस हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है, कितनी अच्छी बनी है। आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन में आप भी अपने घर में घर के सामान से ही अच्छी अच्छी रेसिपी अपने बच्चों को और बड़ों को सबको बनाकर खिला सकते हैं। घर में सीमित सामान है, उन सामानों से ही हम अपनी सूझबूझ से अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। मैंने एक प्रयास किया है, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, और घर में रहें, सेफ रहें।